कि हम इसको क्लियर कर लेते हैं। जो हमारा एंथर होता है, एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है हमारा। जो हमारा एंथर होता है, पराग कोष होता है, वो क्या, द्विपिंड की संरचना होती है। इसको हम क्या कहेंगे, एंथर, क्या कहेंगे, एंथर पराग कोष, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, फिलामेंट, तंतु, फिलामेंट। तो बच्चे आप लोग ध्यान देना, ये जो हमारा एंथर होता है, ये क्या, द्विपिंड की संरचना होती है। ये है हमारा क्या, एक लोब, और क्या है, एक लोब, ठीक है। तो ये द्विपिंड की संरचना होती है। और क्या हम बात करते हैं बच्चे, इन दो, इस अगर एंथर को हम क्या, इसे बाइसेक्शन ऐसे काट दिया जाए, अगर क्या इसको डाइसेक्शन किया जाए तो अंदर देखा जाता है बच्चे, तो आप कुछ क्या ऐसी संरचना दिखती है। देखो बच्चे, स्ट्रक्चर बनता है, ये बन गया। ये बच्चे आपका, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। तो हम बात करते हैं बच्चे, इसको हम क्या ऐसे ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम डाइसेक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या हमारा बच्चे, लेफ्ट लोब है, लेफ्ट लोब, बायां पिंड है एंथर का, और एक है हमारा राइट लोब। एक हमारा राइट लोब है क्या, एंथर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऐसी संरचना होती है बच्चे, जहाँ पर हमारा कनेक्टिंग जाकर के जुड़ा रहता है, कनेक्टिंग जाकर जुड़ा रहता है, और यहीं से वैस्कुलर की सप्लाई होती है। वैस्कुलर बंडल मतलब क्या, जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं हमारे, जाइलम एवं फ्लोएम। तो आप लोग को मालूम होगा, जो जाइलम होता है वो क्या, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करता है, जल और क्या, खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता है। और जो हमारे फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम के जो कोश क्या होती हैं, वो न्यूट्रिएंट अर्थात पोषक पदार्थों का स्थानांतरण करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या, वैस्कुलर स्टैंड हो गए, क्या होते हैं, वैस्कुलर स्ट्रैंड या वैस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। और बच्चे हम बात करते हैं, जो क्या हमारे एंथर होते हैं, इसके दो लोब होते हैं, और प्रत्येक लोब में दो थीका होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें बच्चे मैं रिकैप कर रहा हूँ, सारी बातें हमने क्या पिछली क्लासों में कर ली थी। तो जो हमारा एंथर होता है, एंथर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चे, डाई थिकस, डाइथिकस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो हमारा एंथर होता है वो क्या होता है, डाइथिकस स्ट्रक्चर, बाइथिकस स्ट्रक्चर होता है। मतलब क्या, इसके जो बच्चे हैं, इसके प्रत्येक लोब जो होते हैं उसमें क्या, टू थीका होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं बच्चे, ये जो हमारा एंथर है, इसके कॉर्नर पर, जो कॉर्नर होता है बच्चे, यहाँ पर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब क्या बच्चे, लघु बीजाणु धानी, ठीक है। क्या होते हैं, लघु बीजाणु धानी, जिसको हम बच्चे बात करते हैं, जो हमारे लघु बीजाणु धानी, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ही लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। अगर हम इसको ये क्या बना देते हैं, हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो बच्चे हम इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। जो हमारा क्या माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ये है, ये बच्चे प्रत्येक पिंड में, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, ठीक है। जो हमारा क्या एंथर का प्रत्येक पिंड है वो क्या होता है बच्चे, डाइथिकस, एक पिंड में दो थीका और दूसरे पिंड में दो थीका। और मैंने बताया था बच्चे कि जो हमारा क्या माइक्रोस्पोरेंजियम में लघु बीजाणु है, इसके भीतर ही हमारे क्या होते हैं बच्चे, पोलन सैक होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं हमारे, पोलन सैक होते हैं। यहाँ पर क्या होता है बच्चे,
पोलन सैक या पराग थैलियां इसको कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है? पराग थैलियां। ये क्या होते हैं? हमारे पोलन सैक होते हैं, ठीक है, पोलन सैक होते हैं बच्चे। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इनका विकास कैसे होता है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था बच्चे, इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल सेल जो होती है, सबसे आउटर मोस्ट सेल जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस या एपिडर्मल लेयर होती है, ठीक है बच्चे। जो क्या प्रोटेक्शन का कार्य करती है, ये सेल क्या प्रोटेक्शन का कार्य करती है, ठीक है। और जो हमारी यहाँ की सेल होती है, कोशिकाएं होती है बच्चे, वो क्या मेरिस्टमेटिक सेल होती हैं, मतलब बड़ी तेजी तेजी से क्या ये डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो बच्चे ये जो है हमारे क्या एपिडर्मिस हो गई, क्या है एपिडर्मिस बच्चे। जो हमारी एपिडर्मिस होती है, इसके नीचे की जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ये क्या उस कोशिकाएं जो होती हैं, इसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, हाइपोडर्मिस बच्चे। बस थोड़ी देर आप ध्यान से समझ लो इसको, फिर क्या अभी 2 मिनट में आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर हो जाता है बच्चे। इस पर क्या बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे आपके यूपी बोर्ड में। जो हमारा पराग कोष की अनुप्रस्थ काट की संरचना पूछा जाता है बच्चे, या परिपक्व पराग कोष की संरचना पूछा जाता है, एंथर की संरचना, जितने भी स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं बच्चे, सब में क्या यही स्ट्रक्चर बार बार आता है, तो हम इसीलिए क्या इसको कवर कर लेते हैं। ये क्या होते हैं हमारे एपिडर्मिस, इसके नीचे वाला जो लेयर होता है बच्चे, ये क्या कहलाता है, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। अब बच्चे जो ये हाइपोडर्मिस है, इसमें क्या होता है, रूपांतरण होता है। रूपांतरण मतलब क्या, इनकी कोशिकाएं में क्या होता है रूपांतरण, इसमें जो जीव द्रव है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, और जो इनकी जो कोशिकाएं हैं, जो कोशिकाएं हैं उनमें लार्ज साइज का न्यूक्लियस, मतलब कि यहाँ की जो कोशिकाएं हैं इनका न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और जो इसके अंदर क्या जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। हम इसी तरीके से बात कर लेते हैं बच्चे, इनमें क्या हो जाता है, मोडिफिकेशन, मोडिफिकेशन या रूपांतरण होता है। तो बच्चे क्या बन जाते हैं, हमारे हाइपोडर्मल सेल कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चे आर्कियोस्पोरियल सेल में। बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, जो हमारे क्या जो बीजाणु जन ऊतक हैं उनमें बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वहां पर क्या बनती है, आर्कियोस्पोरियल सेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगी हमारे आर्कियोस्पोरियल सेल, ठीक है बच्चे। अब जो हमारी ये आर्कियोस्पोरियल सेल में जब कन्वर्ट हो जाती है, तो इसमें क्या होता है बच्चे, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। इसमें होता है क्या, पेरिक्लिनल डिवीजन। अब बच्चे पिछली क्लास में मैंने बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो क्या लेक्चर नंबर 4 स्ट्रक्चर आप एंथर डाल करके आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, ये हमारी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस नीचे क्या होती है, हाइपोडर्मिस, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन में मतलब क्या हुआ, उसमें न्यूक्लियस लार्ज साइज हो गया, और क्या जो जीव द्रव था वो क्या हो गया, गाढ़ा हो गया, ठीक है। तो बच्चे उसके बाद क्या हमारा इसमें आर्कियोस्पोरियल सेल में क्या होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन, मतलब ये कोशिकाएं क्या ऐसे ऐसे बढ़ती हैं, बार बार ऐसे क्या है बढ़ती हैं। अब बच्चे जब देखो ऐसे ऐसे अगर क्या बार बार बढ़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये कोशिकाएं बाहर की ओर शिफ्ट होंगी, और अंदर वाली कोशिकाएं क्या अंदर की ओर शिफ्ट होंगी। तो इसमें दो प्रकार की लेयर बनती हैं, और क्या यही डिवीजन क्या कई बार चलता है, तो इसमें क्या दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। तो बच्चे जो किनारे वाली बनती हैं, तो उसको पेरिएटल सेल कहा जाता है। जो एक्सटर्नल लेयर की ओर बढ़ती हैं, यहाँ से जो के बाहर की ओर जो बढ़ती है, उसको पेरिएटल सेल कहा जाता है, या पेरिएटल लेयर कहते हैं। जो अंदर वाली बनती है बच्चे, उसको माइक्रोस्पोरोजिनस लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजिनस लेयर। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं बच्चे बाहर वाले की, तो बाहर वाले क्या कहते हैं बच्चे, सबसे पहली बार बनती है, तो पहली वाली क्या कहते हैं, प्राथमिक या प्राइमरी
मैं सारी चीज़ की हिंदी में, सारे वर्ड की हिंदी बोल दे रहा हूँ, आप लोग क्या इसको हिंदी में लिख लेना। इसको बोलते हैं बच्चे प्राइमरी पैरिएटल, प्राइमरी पैरिएटल सेल। क्या बनती है हमारे बच्चे, जो किनारे वाली लेयर जो बनती है वो किससे बनती है, प्राइमरी पैरिएटल सेल होती है, प्राइमरी पैरिएटल लेयर होती है, ठीक है। उसके अंदर जो बच्चे अंदर की ओर मतलब कि सेंटर की ओर जो बनती है, जो इन इन साइड बच्चे, एक क्या होती है हमारी इनर साइड होती है और क्या है हमारी आउटर साइड। आउटर साइड में प्राइमरी पैरिएटल सेल होती है, इनर साइड में हमारी क्या होती है बच्चे, प्राइमरी माइक्रो स्पोरो जीनस सेल। तो बच्चे जो अंदर की ओर होती है वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी माइक्रो स्पोरो जीनस सेल होती है। प्राइमरी माइक्रो स्पोरो जीनस सेल जो है इसमें क्या डिवीजन होता है, हम बात करते हैं बच्चे जो हमारा क्या प्राइमरी पैरिएटल सेल है इसमें क्या डिवीजन होता है, तो क्या बनता है, तो हम बात करते हैं बच्चे जो क्या हमारी प्राइमरी पैरिएटल सेल है और जो लेयर होती है बच्चे वो जस्ट एपिडर्मिस के नीचे होती है, और इसमें क्या होता है बच्चे पेरिक्लिनल डिवीजन। अब बच्चे देखिए अगर यहाँ पर भी माइटोसिस हो या मियोसिस हो तो एक कोश कम नहीं थी, जो ये लेयर है इसमें पूरा में डिवीजन होता है, तो ये बार बार क्या बच्चे पेरिक्लिनल डिवीजन करेगी, तो प्राइमरी पैरिएटल सेल जो होती है बच्चे इसके लिए हम एक पॉइंट लिखते हैं, ये क्या होती है सबसे आउटर की ओर एपिडर्मिस के नीचे होती है, क्या होती है आउटर एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है। तो इट इज आउटर एंड बिलिंग बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बाहर वाली होती है बच्चे और क्या एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, तो जिसको हम क्या कहेंगे बच्चे आपकी प्राइमरी पेरिएटल सेल कहेंगे। और ये जो होती है बच्चे एक क्या होता है इनर वॉल होती है, क्या होती है इनर मतलब कि जो सेंटर की ओर होती है उसको हम क्या कहते हैं प्राइमरी माइक्रो स्पोरो जीनस लेयर होती है, ठीक है। तो बच्चे हम इसमें बात करते हैं, इसमें डिवीजन होते हैं बच्चे टू और थ्री डिवीजन होता है बच्चे, दो या तीन बार विभाजन होता है बच्चे, पेरिकलिनल डिवीजन होता है, जिससे क्या बच्चे तीन प्रकार के स्तर बनते हैं, ठीक है। तीन प्रकार के स्तर बनते हैं, यहाँ पर जो तीन प्रकार के स्तर होते हैं तो बच्चे पहला क्या बनता है हमारा एंडोथीसियम बनता है, क्या बनता है एंडोथीसियम बनता है। दूसरा क्या बनता है हमारा बच्चा मिडल लेयर बनता है, मिडल लेयर बनता है। और जो थर्ड स्ट्रक्चर बनता है बच्चे हम उसको बोलते हैं टैपिटम लेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं टैपिटम लेयर, जो बच्चे टैपिटम सेल वाली लेयर होगी उसको क्या कहते हैं टैपिटम लेयर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करके इस साइड में देखते हैं, ये तो बच्चे यहाँ पर क्या हमारी बताया बात कर रहा है, तो क्या बनता है यहाँ पर एपिडर्मिस, तो बच्चे यहीं पर क्या बन जाती है ये हमारी क्या होगी एपिडर्मिस, फिर यहीं पर क्या बनती है हमारे क्या एंडोथेलियम। तो बच्चे हम अब इसको क्या यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं दूसरे कलर से, चलो ये बच्चे हमारे क्या हो गई एपिडर्मिस हो गई, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन क्या जाहिर सी बात है आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। एक क्या होगी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे बच्चे जो मॉडिफिकेशन से बनेगा वो हमारी बन जाएगी क्या बच्चे एंडोथीसियम। ये जो लेयर होगी यहाँ पर क्या होगी एंडोथीसियम, एंडोथीसियम बच्चे क्या है थोड़ा सा लॉन्ग सेल से बनी होगी, और बच्चे इसका क्या किया जाता है इसकी कुछ सेल क्या बच्चे टूट जाती है जिससे क्या न्यूट्रिशन मिलता है डेवलपिंग माइक्रो स्पोर को, ठीक है।
तो बच्चे पहले एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर क्या माइक्रोस्पोर का निर्माण होने वाला है, ना कि पॉलन ग्रेन का। तो पहले क्या माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, फिर उसमें क्या कुछ मॉडिफिकेशन होंगे जो क्या हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पॉलन ग्रेन में। ठीक है बच्चे, एक क्या बन गया हमारे, क्या इंडोथीसियम लेयर बन गई। क्या बन गई हमारी ये इंडोथीसियम लेयर। बच्चे मैंने इन सारे लेयर्स के बारे में, सारे क्यूबर के बारे में मैंने क्या पिछली क्लास में बात कर दी, इंडोथीसियम इंडोथीसियम लेयर है। ठीक है अब बच्चे इसके जस्ट नीचे जो हमारी प्रेजेंट होती है दो से एक से पांच परत होती है जिसकी हम उसकी बात करते हैं, वो क्या होती है हमारी मिडल लेयर। ठीक है ये है हमारी क्या मिडल लेयर है। ठीक है ये लो बात होगी बच्चे, ये हमारी क्या होती है मिडल लेयर है, ये जो हमने राउंडेड शेप बनाया है उसके बाद क्या कहते हैं बच्चे मिडल लेयर। अब बच्चे मिडल लेयर के बाद जो क्या यहाँ पर जो कोशिकाएं होंगी उसको उनका कहते हैं टैपटम लेयर। ये जो हमारी बन रही है यहाँ पर क्या टैपटम लेयर। ठीक है जिसको क्या कहते हैं टैपेटम। बच्चे ध्यान देना जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है क्या टैपटम। टैपटम का जस्ट इनर साइड जो बच्चे ये होता है, यही क्या होता है हमारा पॉलन सैक होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। यहीं पर क्या होता है यहीं की सेल जो डिवाइड करके बच्चे कन्वर्ट होते हैं क्या हमारे माइक्रोस्पोर में। ठीक है तो अब हम बात करते हैं बच्चे जो हमारे क्या माइक्रोस्पोरोजिनस सेल है उसमें क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है। हमारे जो क्या होते हैं ये जो माइक्रोस्पोरोजिनस सेल है, तो बच्चे जो अभी देखो बच्चे मैंने बात किया, ये जो क्या हमारा एंडोथीसियम है जो क्या मिडल लेयर है और जो हमारा टैपटम लेयर है, ये तीनों जो बने हैं बच्चे ये किससे बने हैं हमारे, ये तीनों बने हमारे बच्चे पैरिएटल सेल से। किससे बने हैं पैरिएटल सेल से। अब बच्चे अब इसके बाद बात की गई है कि जो पैरिएटल सेल होती है उसके उसके नीचे वाली जो लेयर होती है वो क्या हमारी होती है माइक्रोस्पोरोजिनस लेयर होती है। तो बच्चे ये तो तीनों लेयर बनी क्या हमारे पैरिएटल सेल से, उसके अंदर वाला जो पोलन सैक है ये बच्चे क्या हमारा किससे बना है बच्चे स्पोरोजिनस सेल से। इसको बच्चे स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है, बीजाणुजन ऊतक कहा जाता है। ठीक है तो अब हम बात करते हैं बच्चे आगे की। ठीक है तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, आप लोग इसको बच्चे ध्यान से रखे रहना। अब हम बात करते हैं बच्चे हमारे क्या